मुंबई और पुणे में भारी बारिश होने की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मुंबई में मध्य रेलवे पर रेलवे प्लेटफॉर्मों पर पैनिक बटन लगाने पर विचार। महाराष्ट्र के लिए अगले 72 घंटे अहम, मुंबई पुणे में आईएमडी का ऑरेंज अलर्ट जारी। विधानमंडल के मानसून सत्र में ही पेपर लीक को लेकर कानून लाएगी महाराष्ट्र सरकार, देवेंद्र फडणवीस। सितंबर से मुंबई मांडवा के बीच बढ़ाई जाएगी रो पैक्स फेरी मुंबई। रेलवे पटरियों के किनारे पर बसे झुग्गियों के पुनर्विकास के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी, मंत्री। शिक्षकों को पुरानी पेंशन का विकल्प देने पर अगले 3 महीने में निर्णय, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार। हिजाब के बाद जींस और टी शर्ट पहनने पर भी बैन, मुंबई में कॉलेज के फैसले से स्टूडेंट हैरान। अमानी परिवार ने अनंत राधिका की शादी से पहले मुंबई में सामूहिक विवाह का किया आयोजन। महाराष्ट्र विधानसभा मानसून सत्र, भाजपा विधायक योगी सागर ने मुंबई में बढ़ती बहुमंजिला झुग्गियों पर जताई चिंता। डैम में बहने वाले 5 लोगों के शव बरामद। मुंबई के वरली इलाके में एक पैदल यात्री के ऊपर पेड़ गिरने से उसकी मौत हो गई। महाराष्ट्र सरकार मुंबई महानगर क्षेत्र में होर्डिंग के लिए जल्द लाएगी नई नीति। मुंबई स्नातक सीट से जीते शिवसेना यूबीटी नेता अनिल परब, बीजेपी प्रत्याशी किरण सेलार हारे। हिंदुओं वाले बयान पर बोले रामदास आठवले, राहुल गांधी को बता दिया आतंकवादी। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में सुनाया सोले का डायलॉग, कांग्रेस को लगी मिर्ची। शेयर बाजार ने रचा इतिहास, पहली बार सेंसेक्स 80,000 के करीब खुला। कल जो राहुल गांधी जी ने संसद में जो कोई वक्तव्य किया है, शायद राहुल गांधी जी ये भूल गए कि हमारे भारत देश में 90% ये हिंदू रहते हैं। हमारी देश की पहचान ये एक हिंदू राष्ट्र है। आज हमारे देश का हिंदू शांत है, इसलिए राहुल गांधी इस तरीके का वक्तव्य कर सकते हैं। जिस दिन हमारे हिंदू समाज ने अशांत होने का शुरू किया, अहिंसा के मार्ग में जाना शुरू किया, तब जिसको वो खुश करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, उनको बिरयानी और शीर खोरमा में का भी फर्क समझेगा नहीं। इसलिए जितने देर हिंदू समाज शांत है, उतना ये लोग सब लोग सोच के इस तरीके का वक्तव्य करें, वरना जिस दिन हिंदू समाज ने अपना तीसरी आंख खोली, तभी राहुल गांधी जिनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे देश में एक टक्का भी बचेंगे नहीं। संसद में शंकर भगवान की फोटो और गुरु नानक की फोटो दिखाना कितना उचित है?